सिस्टम के बारे में मुझे कोई बताएगा आप में से, सिस्टम क्या होता है? क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना, मेरी बात याद रख लें, कोड इंप्लीमेंट करना इज नथिंग। मेन थिंग क्या है कि आप लॉजिक कैसे बनाते हैं, आपका माइंडसेट क्या है, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपका माइंडसेट क्या है, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट। कोडिंग करना कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, कोड आप उसका लिख लेंगे, लेकिन कोड उस वक्त तक परफेक्टली नहीं लिखा जाएगा जब तक आपका माइंडसेट नहीं बना होगा कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वो एक थोड़ा सा माइंडसेट बनाने लगा हूं कि एक्चुअली अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं या वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म के सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। वो थोड़ा सा मैं आपका माइंडसेट बनाने लगा हूं, तो मुझे बताइएगा कि सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम? जी कोई भी बता सकता है इन जनरल लेमैन में, आपको क्या लगता है क्या होता है सिस्टम? सर सिस्टम कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसमें हम कोई भी चीज को परफॉर्म करते हैं। सिस्टम कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, और कोई? जी ये मतलब डिवाइस वगैरह किसे हट के बात करें तो इन जनरल ये कहा जा सकता है सिस्टम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके किसी गोल तक पहुंचा जाता है। करीब आ गए हैं, जो मैं सुनना चाह रहा हूं उसके करीब आ गए। ठीक हो गया, ये भी हो सकता है कि सिस्टम एक फ्लो ऑफ वर्क है, डिजाइन है, फ्लो ऑफ वर्क, और ज्यादा करीब आ गया। अब मैं डिस्कस करता हूं, ये कौन है, म्यूट कर लें काइंडली। अच्छा, एक्चुअली सिस्टम जो है ना, सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री, लेट्स सपोज तीन कंपोनेंट हैं इस सिस्टम में, लेकिन ये कंपोनेंट मिलकर परफॉर्म करते हैं सिंगल टास्क। ठीक हो गया, सेट ऑफ कंपोनेंट्स परफॉर्मिंग सिंगल टास्क, सॉल्विंग अ सिंगल प्रॉब्लम, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? वो कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल आप बात कर लें रेस्पिरेटरी सिस्टम के, भी इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी नोज है, लंग्स हैं, और कुछ और चीजें भी बॉडी के अंदर होंगी जो मिलकर इस सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, नोज का है, लंग्स का है। Is that clear? समझ रहे हैं? Yes, sir. कोई एक मेरे साथ रहे। अच्छा, इसी तरह जब आप बात जरा दोबारा दोहरा देंगे मेरे नेट कनेक्शन का मसला। मैं दोबारा बता देता हूँ, हम बात कर रहे थे सिस्टम। सिस्टम क्या है? सेट है कंपोनेंट्स का। देखें, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू एंड कंपोनेंट थ्री, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर क्या परफॉर्म कर रहे हैं? अगर एक ही सिंगल टास्क परफॉर्म करें, कोई एक काम करें, डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। मैंने भी एग्जांपल दी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स, नोज और डिफरेंट मे बी कुछ जो है वेन्स या कुछ और चीजें मिलकर काम कर रही हो, मुझे एग्जैक्ट बायोलॉजिकल नेम नहीं आते हैं। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। अब हम सिस्टम पे बात क्यों कर रहे हैं? जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे जो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो एक सिस्टम होगी कंप्लीट, याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होगी? एक कंप्लीट सिस्टम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वेबसाइट्स की, लेट्स सपोज मैं बात करूं किसकी, वेबसाइट,
वेबसाइट क्या है? सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और हो सकता है कि पूरी वेबसाइट में काफी सारे सिस्टम्स हो। लॉगिन का एक सिस्टम है, ठीक हो गया, रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है वेबसाइट के अंदर। फिर इसके अलावा हो सकता है कि वो कोई बैंकिंग की वेबसाइट है, तो वहां पर आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन एक्सेस करना या अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना या फंड रिसीव करना, वो भी क्या है? एक सिस्टम है। लॉगिन सिस्टम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। तो चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपकी मोबाइल एप्स हो, वो भी क्या है? सिस्टम है। चाहे आप कोई रोबोट बना रहे हो, वो भी क्या है? सिस्टम है। समझ रहे मेरी बात को? तो यूजली हम यही चीजें बनाते हैं ना डिजिटल में, या वेबसाइट बनाएंगे, या आप जो है वो मोबाइल एप्स बनाएंगे, या आप हो सकता है कोई गेम बनाएं, या रोबोट बनाएं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिस्टम है। तो जब भी आप कभी वेबसाइट बनाने जाएं, चाहे कोई मोबाइल ऐप बनाने जाएं, या गेम बनाने जाएं, या रोबोट बनाने जाएं, आपने उसको कंसीडर करना है एज ए सिस्टम। अगर ये सिस्टम है तो डेफिनेटली मुझे बताएं, उसके कंपोनेंट्स होंगे, तो देन यू हैव टू डिवाइड दैट सिस्टम इनटू डिफरेंट कंपोनेंट टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, टू सॉल्व सम स्पेसिफिक टास्क। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर सर। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको, अच्छा जब तक स्क्रीन विजिबल रहे मुझे बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मैं नीचे चला जाऊं और आपको नजर ना आए, तो फिलहाल तो विजिबल है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमने बात करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई लिख रहा हूं शॉर्ट करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं ना, तो इसका मतलब है मैं बात करने लगा हूं इंटेलिजेंट सिस्टम। समझ रहे हैं? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? एक सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है? एक सिस्टम है। तो आप कहेंगे ये भी तो सिस्टम थे ना? हाँ जी, ये सिस्टम ही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? अगर आप वेबसाइट में ऐड कर दें क्या एआई, आप मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड कर दें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मॉड्यूल, आप रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मॉड्यूल जो है वो ऐड कर दें, या आप गेम में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल ऐड कर दें, तो अब यही सिस्टम कौन सा सिस्टम बन जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। कि हमारे पास सिस्टम तो अवेलेबल है, पूरा सिस्टम पहले भी चल रहा था, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी तब भी वेबसाइट्स बनती थी, तब भी गेम्स बनती थी, तब भी हमारे पास जो है वो रोबोट्स बनते थे, तब भी हमारे पास गेम्स बनती थी। लेकिन जैसे ही हमने एआई का मॉड्यूल शामिल कर दिया किसके अंदर, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर, अब वो चाहे वेबसाइट्स का सिस्टम है तो चाहे कोई दूसरा सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक हो गया, मैं एग्जांपल देने लगा हूं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम। एक वेबसाइट है, ठीक है, आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, स्टॉक्स का और लेट्स सपोज शेयर्स का, शेयर मार्केट का और स्टॉक मार्केट का। यस सर। अच्छा, ट्रेडिंग मार्केट आपने देखा होगा, डिफरेंट एजेंट्स या डिफरेंट एजेंसीज बैठी हुई हैं जो आपको कॉल करती हैं कि सर आप एक काम करें, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट हमें ला दें, ठीक हो गया। हमारे पास 15 लोगों की टीम बैठी है,
जो शेयर मार्केट का एनालिसिस करती रहती है, वो आपको बताएगी कि आप इस वक्त शेयर बाय कर लें और इस वक्त आप शेयर क्या कर दें, सेल कर दें, या स्टॉक बाय कर लें और इस इतने दिनों बाद या इतने टाइम के बाद जब हमारी टीम के आप वो स्टॉक्स या शेयर जो हैं वो क्या कर दें, सेल कर दें। ऐसा आपने सुना होगा। अब वो टीम क्या कर रही होती है, वो टीम कर रही होती है बैठ के एनालिसिस। अब उसमें हो सकता है कोई किसी ने फाइनेंस पढ़ा हो, किसी ने कोई MBA किया हो, जिनको पता है कि स्टैटिस्टिक्स के रूल्स क्या हैं, जिनको पता है कि मार्केट कैसे ऊपर जाती है कैसे नीचे जाती है, उनको उस फील्ड में काम करते हुए 5-7 साल जो है हो गए होते हैं। वो आपको आप जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट लेके कि ठीक है जी मैं स्टॉक्स बाय करता हूँ, फिर वो आपको कहते हैं सर ये इस वक्त ना जो ऑयल की प्राइसेस है ना वो ये हैं, वो कुछ लॉजिक्स आपको कुछ ग्राफ्स दिखाते हैं, आप ये बाय कर लें। आप वो बाय कर लेते हैं, फिर अचानक उनका कॉल आता है, वो कहते हैं सर सेल कर दें, सेल कर दें फौरन। आप सेल करते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पूरी 15 लोगों की टीम ने एनालिसिस किया होता है। समझिए मेरी बात को, यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने वो जो काम 15 लोग कर रहे थे ना, उनके पास डेफिनेटली डिग्रीज भी थी और एक्सपीरियंस भी था, उन 15 लोगों का जो डाटा है उनसे कहा कि यार ये डाटा मुझे दे दें, जिस बेस पे आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, प्रीवियस डाटा, नॉट एग्जिस्टिंग डाटा। डेफिनेटली वो मार्केट के क्या करते हैं, पैटर्न्स ही देखते होंगे ना, और उसी के बेस पे वो प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि स्टॉक बाय कर लेना चाहिए, शेयर्स बाय कर लेने चाहिए, स्टॉक या शेयर सेल कर लेना चाहिए। अब वो एक शख्स को हो सकता है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसने 5 साल से वो डाटा को एनालाइज कर रहा है, उसके पास 5 साल का डाटा पड़ा है। मैंने एक शख्स से डाटा लिया, दूसरे शख्स से लिया, 15 लोगों से मैंने, जिनको 10-10 साल का लेट्स सपोज एक्सपीरियंस था, मैंने उनसे प्रीवियस एनालिसिस का डाटा ले लिया। अब इसी तरह मैंने क्या किया, 1,00,000 लोगों का डाटा इस तरह से इकट्ठा कर, उनके एनालिसिस का जो प्रीवियस डाटा था वो मैंने इकट्ठा कर लिया। अब वो डाटा मैंने इकट्ठा करके 1,00,000 लोगों से, सोचे अगर एक बंदे को 10 साल का एवरेज एक्सपीरियंस है तो 1,00,000 लोगों को कितने साल का एक्सपीरियंस होगा, 10,00,000 साल का एक्सपीरियंस। अब वो 10,00,000 एक्सपीरियंस वाला जो डाटा है वो मैंने उठाया और मैंने अपने AI मॉड्यूल को दे दिया, अपने AI मॉडल को ट्रेन कर दिया उस डाटा के ऊपर, समझ रहे हैं? अब मेरे AI मॉड्यूल ने क्या किया, मेरे AI मॉड्यूल ने उस डाटा के पैटर्न्स को लर्न कर लिया, 10,00,000 लोगों के एक्सपीरियंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। वो कैसे करना है, आगे हम मशीन लर्निंग का जब कोर्स करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि बेसिकली इतना ज्यादा डाटा हम कहां से गैदर करें और गैदर करने के बाद हम अपने AI मॉड्यूल को कैसे दें और मॉड्यूल उसमें से लर्निंग कैसे करता है, एक्चुअली उसका आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा होता है। खैर अभी सिर्फ मैं सिंपल एग्जाम्पल को सिंपल रखना चाहता हूँ कि हमने वो 10,00,000 लोगों का डाटा 10,00,000 साल का जो एक्सपीरियंस का डाटा था वो अपने AI मॉडल को दिया और उसको ट्रेन कर दिया। अब मैंने एक वेबसाइट का सिस्टम बनाया और उस मॉडल को इंटीग्रेट कर दिया अपनी वेबसाइट के अंदर। अब मेरी वेबसाइट जो है वो मैं कहता हूँ कि जी भाई आप आए इस पे अकाउंट बनाएं, मेरा AI मॉडल आपको खुद बता देगा कि आपने कब स्टॉक बाय कर रहे हैं और कब आपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं। और अब वो 15 लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि कितने लोगों का है, 1,00,000 लोगों का एक्सपीरियंस है उसके पास, और वो न्यू कमिंग डाटा से भी क्या कर रहा है, अपनी लर्निंग कर रहा है। ठीक हो गया? तो मुझे बताएं कि उन 15 लोगों की प्रेडिक्शन ज्यादा बेहतर होगी या इस 10,00,000 साल का जो डाटा है इसकी लर्निंग ज्यादा होगी, यानी कि उसके पास 1,00,000 लोगों का एक्सपीरियंस है, पहले आप बेनिफिट हासिल कर रहे थे 15 लोगों के एक्सपीरियंस से, अब आप बेनिफिट हासिल कर रहे हैं किससे, 1,00,000 लोगों के एक्सपीरियंस से, तो प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो अगर इस मॉडल को मैं अपनी वेबसाइट के अंदर क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो अब ये वेबसाइट वाला जो सिस्टम है
इसको मैं क्या बोलूंगा, ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम है।